सो फाइनली गूगल ने अपना खुद का जनरेटिव टेक्स्ट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल बार्ड AI लॉन्च कर दिया है, और इसके बाद देखा जा रहा है कि जो OpenAI है उसको एक तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है। हालांकि अगर देखा जाए रिजल्ट्स के बारे में, तो अभी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना कि OpenAI कर रहा है। बट इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि OpenAI जो है वो दुनिया भर के लोगों के लिए पहले ही अवेलेबल हो चुका था, और किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब भी कुछ सिखाना होता है, समझाना होता है, ज़्यादा नॉलेज देनी होती है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना होता है। तो अगर गूगल के एम्प्लॉयज़ ही सिर्फ अगर उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहे होंगे तो वो उतनी चीज़ें नहीं सीख पाया होगा जितना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब लोग यूज़ करेंगे तो उनके यूज़ करने के वक्त वो सीख पाएगा। क्योंकि मैंने खुद भी ये टेस्ट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेरे बिज़नेस के बारे में और मेरे बारे में इतना कुछ पता है, और इतना प्रोफेशनली जो आंसर वहाँ से आता है वो मैं किसी भी क्लाइंट को दिखाकर उसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर सकता हूँ। तो मेरे बारे में इतना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के पास होना और OpenAI के ChatGPT का उसको इतने अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाना इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा खुश कर देता है मुझे और मेरे जैसे कई डिजिटल मार्केटर्स को। तो वैसा ही कुछ अब गूगल के साथ भी होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, यानी कि मान लो कि कम से कम एक महीना तो लगेगा जब भर भर के लोग उसे यूज़ करना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल का बार्ड AI वो अभी इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो तिकड़म लगा के उसे यूज़ कर सकते हो, VPN कैसे भी अगर आप जो भी यूज़ करना चाहो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इंडिया के लिए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए वेट करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसके यूज़ केसेस जितने भी हो सकते हैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये जो दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है और एक गूगल के पास है, ये दोनों ही अपने अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करने वाले हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा घाटा होगा वो आप लोगों का होगा, हमारा होगा, क्योंकि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो यहाँ से गायब हो जाएंगी। मतलब कि डेटा एंट्री वाली जॉब्स, एनालिटिक्स वाली जॉब्स, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि जिनमें लोअर लेवल की कोडिंग नॉलेज चाहिए होती है या लोअर लेवल का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होता है, तो वो सारी जो जॉब्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लेना चाहिए जितना हो सके जल्दी, एंड दैट्स वाई मैं जो ये वीडियोज़ हैं वो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि अच्छी क्वालिटी में बनाऊँ और ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन, लोडेड इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेकिन क्या पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, न्यूज़ पसंद आई होगी, और आप तैयार हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ने के लिए, क्योंकि अब तो वही करना पड़ेगा। सो आई होप हो कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। मैं तो वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।